नमस्कार साथियों, तो स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम लोग कुछ बैंक्स की फुल फॉर्म को समझेंगे, जैसे HDFC, ICICI, IDBI, ये प्रमुख बैंक्स की फुल फॉर्म को आज समझने वाले हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं HDFC। तो HDFC की फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन, और ये फाउंडेड ईयर इसका है 1994, यानी आज से 29 इयर्स एगो ये बैंक स्टार्ट हुई थी। उसके बाद इसका हेडक्वार्टर्स है मुंबई महाराष्ट्र में। तो सेकेंड फुल फॉर्म हम लोग समझने वाले हैं ICICI। इसका पूरा नाम होता है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। फाउंडेड ईयर ये बैंक भी 1994 में ही शुरू हुआ था, जिस तरीके से HDFC शुरू हुआ था, यानी आज से 29 साल पहले, और इसका भी हेडक्वार्टर्स मुंबई महाराष्ट्र में ही है। अब तीसरी फुल फॉर्म हम लोग समझने वाले हैं IDBI। IDBI का पूरा नाम है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये फाउंडेड ईयर इसका है 1964 और हेडक्वार्टर्स इसका भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। अब फोर्थ फुल फॉर्म हम लोग देखते हैं, जो कि नाबार्ड। नाबार्ड का पूरा नाम है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। जैसे कि इसके नाम से आप समझ पा रहे होंगे कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल मतलब कृषि और ग्रामीण विकास के लिए, जो भी कृषि कार्य है और ग्रामीण विकास के लिए इसका योगदान है, ये उनको लोन प्रोवाइड कराती है, उसी संबंधित इसका पूरा काम रहता है। ये फाउंडेड ईयर 1982, यानी आज से 40 साल। अब अगली हम लोग यूको बैंक समझते हैं, जिसका नाम यूको है। तो यूको का फुल फॉर्म है यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, और ये फाउंडेड ईयर इसका है 1943, और ये इसके जो फाउंडर थे वो जी डी बिरला के द्वारा इसको फाउंड किया गया था। उसके बाद हेडक्वार्टर इसका मुंबई ना होके इसका कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। अब सिक्स्थ फुल फॉर्म पे हम नजर डालते हैं, तो सिक्स्थ फुल फॉर्म है IDFC। IDFC का पूरा नाम है इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फाइनेंस कंपनी, और ये फाउंडेड ईयर 2015, बहुत ज्यादा समय इसको नहीं हुआ है, ये 8 साल पहले ही फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में ही है, जैसे कि HDFC और ICICI का है।